सोचा था घर बनाकर बैठूंगा बहुत ही सुकून से, लेकिन घर बनाने के बाद पता ये चला ना कि घर की जो ज़रूरतें हैं उसने तो हमें मुसाफिर बनाकर छोड़ दिया। और एक बात मेरा ज़िंदगी में हमेशा याद रखना आप सभी, पैसा कमाने के बाद ही सुख आएगा, खुश रहेंगे, ये सोचना बहुत गलती है। आप ये बात ना अजमा लेना कि अक्सर आप देखना अमीर लोग के बच्चे बहुत कम खुश रहते हैं, आप अजमा लेना, लेकिन गांव में जाकर देखिएगा जो गरीब है बेवजह खुश रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा तभी खुशी आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोचते किस तरह से है। क्लास को स्टार्ट करूंगा, और आज सुबह में क्लास नहीं आया था तो 13 अप्रैल का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आप सभी के लिए अभी की क्लास में जो है वो कवर करने वाले हैं। और आप सभी क्लास को बहुत मिस कर रही है तो मुझे भी अनुमान है, और मैं भी हर एक कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अगर आप बोलते हैं कि भैया आप कॉमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं हर एक कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ आप सभी का, ठीक है। तो बस बहुत बड़ा धमाका 1 से 2 दिन के अंदर होगा, और ऐसा वीडियो ना आप बोलेंगे भैया मज़ा आ गया। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। उसके पहले बोलूंगा आप हमारे एप्लीकेशन जो सक्सेस की 98 है उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। वहाँ पर ऑलरेडी अभी तक हर एक एग्ज़ाम का टेस्ट पड़ा हुआ है, और साल भर तक आपका जो जो एग्ज़ाम होगा, जो जो एग्ज़ाम आएगा उसका भी मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा उस एप्लीकेशन में ही, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है आप टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। लेकिन साल भर वाला पैकेज अगर बाय करते हैं 349 वाला, तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट दिया जाएगा, ताकि एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और पहला क्वेश्चन है, ICMR ने महत्वपूर्ण COVID-19 मामलों के इलाज के लिए किस थेरेपी का पता लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। अब इसका आंसर तो मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के डेट में जो दौर चल रहा है COVID-19 का, आप बोल सकते हो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके चेयरमैन का नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो इसके डायरेक्टर जनरल है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा आप सभी से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग है। तो ICMR के जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे प्रोफेसर बलराम भार्गव। नाम याद रहे, बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब ICMR ने जो महत्वपूर्ण COVID-19 के मामलों के इलाज के लिए जो थेरेपी का पता लगाने का प्रस्ताव पारित किया है ना, उस थेरेपी का जो नाम है वो क्या है, तो वो है आप सभी का प्लाज्मा थेरेपी, ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है ICMR, देखो फिर से ICMR के बारे में चर्चा हो रहा है, और आप देख पा रहे होंगे कोई भी करंट अफेयर क्लास करवा रहा होगा ICMR का डेली क्वेश्चन बन रहा है, तो याद रखना ICMR, DRDO ये सब आपको याद रखना है, प्लस जो जो एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है वो सब के बारे में। तो ICMR ने COVID-19 स्क्रीनिंग परीक्षणों के लिए TrueNet के उपयोग को मंजूरी दे दी है। आपको यह बताना है जो TrueNet का उपयोग किस बीमारी के निदान के लिए किया गया था। नाम याद रखिएगा TrueNet, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी। और ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग कब मनाते हैं, तो वो तो आप सभी को पता होगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी द्वारा GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड का अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, तो उस कंपनी का नाम क्या है, तो उस कंपनी का नाम है आपका टाटा पावर कंपनी, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रॉजर चैपोट जिनका निधन जो है वो COVID-19 के द्वारा हो गया है, इस बीमारी के चपेट में ये भी थे। आपको ये बताना है यह किस देश के आइस हॉकी खिलाड़ी थे, यह हॉकी खेलते थे, जिनका नाम क्या था आपका, रॉजर चैपोट। अब आपको ये बताना है कमेंट कर यह किस देश के लिए हॉकी खेलते थे, तो आंसर क्या होगा इसका, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर वहीं पर बात करें इंपॉर्टेंट तथ्य को लेकर, तो स्विट्जरलैंड का करेंसी क्या है, तो आप बोलेंगे स्विस फ्रैंक। वहां का कैपिटल सिटी जो है, जो राजधानी शहर है उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे बर्न। और राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, सिमियोनेटा सोमुरंगा, सोमुरुगा, ठीक है।
या एक महिला है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ बना दिए गए ना, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका प्राग राजा, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, डीआरडीओ, देखो बार बार मैं बोल रहा हूं डीआरडीओ और आईसीएमआर, बार बार क्वेश्चन बनेगा, डेली बन रहा है इनके ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर कोविड 19 के जितने भी मरीज है ना, उनका इलाज करने वाले स्वास्थ्य जितने भी कर्मचारी है और डॉक्टरों के लिए पूर्ण चारा ढाल विकसित किया है, जो किट वगैरह जो डॉक्टर पहनते हैं, और डीआरडीओ जो है वो किस कंपनी के साथ मिलकर ये किट की तैयारी करेगा? तो विप्रो 3D के साथ मिलकर, ठीक है, किसके साथ? विप्रो 3D। अगर वहीं पर हम बात करें डीआरडीओ को लेकर, तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो सभी को पता है भैया नई दिल्ली में। अगर डीआरडीओ का चेयरपर्सन, जो चेयरमैन है, उनका नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जी सतीश रेड्डी, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन है डीआरडीओ का, यह भी आपको याद रखना है, तो आप क्या बोलेंगे? अविनाश चैंडर। दोनों नाम याद रहना चाहिए आप सभी को, आपके मुंह पर याद रहना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस शहर का नाम बताना है जिसे करियर के विकास और उच्च जीवन स्तर के लिए आईटी पेशेवरों के काम करने के लिए सबसे अच्छा शहर जो है वो माना गया है। कहने का मतलब है, सबसे बेस्ट जितने भी काम करते हैं लोग आईटी सेक्टर में, सबसे अच्छा आईटी हब बोल सकते हो, किस शहर को वोट दिया गया है, और टॉप पर कौन है अभी 2020 के ताजा रिपोर्ट के अनुसार? तो सबसे बेस्ट आईटी के लिए जो शहर है वो है आपका बेंगलुरु, और सभी को पता है भैया पूरा आईटी का हब है बेंगलोर, ठीक है। अगर बात करें कि बेंगलोर राजधानी किसका है, तो कर्नाटका का राज्यपाल कौन है? बजूभाई बाला। अगर बात करें वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो येदियुरप्पा साहब, ये तो सभी को पता होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक कोविड-19 आपातकालीन पैकेज को मंजूरी दी है। इसे जनवरी 2020 से किस वर्ष तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा? कहने का मतलब है, देखो आपको सभी को पता है आज के डेट में हर एक राज्य कोविड-19 से जूझ रहा है। अब राज्य अपना बहुत सारा टैक्स क्या है, सेंट्रल को देती है, सेंट्रल के पास ऑलमोस्ट सारा टैक्स जाता है, तो टैक्स क्या करती है सरकार, कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जो है सहायता के रूप में अलग अलग रूप में देती रहती है। तो कोविड-19 के लिए भी जो है वो स्पेशल पैकेज जारी किया गया है सेंट्रल के द्वारा, हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, ठीक है। लेकिन सरकार ने बोला है इस बीमारी का पूरा रिकवर करने के लिए, जो भी आपका लॉस होगा हर एक राज्य का, उसका पूरा जो पैकेज है वो जनवरी 2020 से 2024 तक दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। कब तक? 2024 तक, क्योंकि आप सभी को पता है बीमारी का प्रकोप बहुत बड़ा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विजडन क्रिकेटर्स के पचांग में 2020 संस्करण में लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में किसे नामित किया गया है, और उनका नाम है हरफन मौला खिलाड़ी, बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड बोल सकते हो इंग्लैंड के, जिनका नाम है आपका बेन स्टोक्स। इसके पहले जो ये टैग था, जो ये अवार्ड था, वो किसके पास था? इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली के पास, ठीक है। अब 2005 के बाद अभी जाकर 2020 में किसे, इंग्लैंड के खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया है। अगर मैं बात करूं इससे पहले इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को मिला था, तो 2005 में ना एंड्रयू फ्लिंटॉफ को दिया गया था। उसके बाद यानी 15 साल के बाद फिर से किसी इंग्लैंड खिलाड़ी को यह टैग दिया गया, और इससे पहले विराट कोहली के पास जो है यह खिताब था। अभी किसके पास है 2020 का? तो बेन स्टोक्स के पास, जो ऑलराउंडर है इंग्लैंड के। और हाँ, आपका आज का पहला प्रश्न चलो यहीं से निकल कर आता है, आप सभी को ना कमेंट कर ये बताना है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, वहां के राष्ट्र
कैपिटल और करेंसी, यानी मुद्रा, राजधानी और प्रधानमंत्री का नाम इंग्लैंड का, जिसको बोलते हैं हम सभी यूनाइटेड किंगडम, इसका कमेंट कर आपको बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से किस संस्था ने गो कोरोना गो ऐप विकसित की है, और यह विकसित किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा, मान लो अगर आपके फोन में यह एप्लीकेशन है तो आपके अगल बगल में कौन पीड़ित है, ठीक है, तो उसका पता जो है वो लग पाएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारा अलग अलग फंक्शन है कि आपके फोन में ब्लूटूथ वगैरह ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने कोविड 19 से लड़ने के लिए कोविड केयर एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है। ऑलमोस्ट आप मानकर चलो सेंट्रल हर एक राज्य जो है एक साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा बहुत सारा एप्लीकेशन आ रहा है, बहुत सारा, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए, ठीक है। अब ये जो कोविड केयर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ये किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। अगर बात करूं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, पेमा कांडू। राज्यपाल बीडी मिश्रा, और राजधानी तो आप बोलेंगे ईटानगर, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 अप्रैल का। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर अगर आपके फोन में टेलीग्राम है तो आप सर्च मार सकते हैं सक्सेस की 98, वहां पर ऑलरेडी 42,000 स्टूडेंट हैं, तो वहां पर आप सभी जुड़ जाएंगे, तो हर एक पीडीएफ भी आप बेफिक्र बिना किसी टेंशन के डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और साथ साथ अपने मम्मी और पापा का भी, ठीक है ना। चलिए।